नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन के नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज आप देख रहे हैं मैं थोड़ी सी तैयार हूँ और यह है मेरे हाथों में पूजा की थाली, क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत। तो पूजा करने हम लोग जाएंगे मंदिर पे, तो इसीलिए देखिए आस्था ने थाली वाली पूरी लगा दी है। नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और बस घर में पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज है वट सावित्री व्रत और मैं तैयार हो गई थी, और सबसे पहले मैं घर में पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद जाएंगे चंखुरी, जो हमारे यहाँ जहाँ बरगद का पेड़ लगा है, देवी देवता का स्थान है, वहाँ पे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे जैसे यहाँ का जो रीति रिवाज है उस प्रकार से। और दोस्तों हमारे यहाँ प्रसाद में चढ़ाने के लिए कौड़ियाँ बनाई जाती है, गुड़ के आटे के छोटे छोटे गोल गोल से बनाए जाते हैं गोलियां जैसे, और वही चढ़ाई जाती है कोरियां बना के पूड़ी की छोटी छोटी। तो वो सब जेठानी जी ने बना लिया था, मैंने नहीं बनाया है, उन्हीं ने मतलब मेरा भी अपने साथ ही बना लिया था। मैं यहाँ पे तैयार तो हो गई थी और लेकिन अब वहाँ जाना है तो और थोड़ा तैयार हो जाओ, चूड़ी वगैरह नई नई पहन लो, क्योंकि आज भट सावित्री व्रत पूजा है, सुहागनों वाली पूजा है। तो उसी हिसाब से सभी औरतें हमारे गांव में बहुत ही सजधज के तैयार हुई थी। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं इतनी तो तैयार नहीं हुई थी, लेकिन ठीक है, जैसा मेरा मन था, मन मेरा ठीक नहीं था इस कारण मैं उतनी तैयार नहीं हुई। आप सभी को चेहरे से भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहनने लगी हूँ चूड़ियाँ और नेल पॉलिश लगा लूँगी, नई चूड़ियाँ जो रखी थी पहले से ही वो ही पहन लूँगी। तो दोस्तों वैसे तो मंदिर में वगैरह हमारे यहाँ नहीं चढ़ा जाता, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे और जो पेड़ है उसी के ही चारों तरफ पूजा करके बस आ जाएंगे। तो जो घर के बड़े थे उनसे पूछ लिया था कि भाई जा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया कि कौन जा सकते हो लेकिन मंदिर में न जाना। दोस्तों ये हो गई है थाली तैयार, इसको ढक देते हैं। चलो, और ये शरबत के लिए है। और ये है शरबत घोला जाता है वहां पे, उठाओ आस्था वो। रुक, मैं जो पहले अपने को तो दोस्तों मैं तैयारी आज सब हो गई थी, खाना पीना देखिए अभी नहीं बना है, सफाई हो गई थी घर की, लेकिन बस खाना पीना मेरा नहीं बन पाया है। तो अब जाने लगे हैं जेठानी जी के घर, पहले जाएंगे क्योंकि अभी उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं सोची कि उन्हीं के यहाँ जाएंगे और उन्हीं के साथ फिर मंदिर के लिए जो चंखुरी है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चनखुरी। हम पहले अपनी इनकी दीदी के घर जाएंगे। मम्मी पल्लू हटाओ, बिल्कुल फूला लग रहा है, खराब। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और रास्ता देखे जा रहे हैं, ये है रास्ता और हम लोग और जा ये मैंने भगवान को, तो हम आ चुके हैं बिल्कुल इनकी मम्मी की दीदी के घर। तो चलिए और मम्मी पूछ रही हैं कि तुम्हें जाना है पूजा करने इनसे, मेरी दादी से। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हम जेठानी देवरानी दोनों निकल गए हैं, अभी घर पे हम ही हैं और दो और हैं, तो वो अभी यहाँ है नहीं, बाहर रह रही हैं दिल्ली शहर वगैरह में। तो हम ही दोनों घर पे हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं पूजा करने और एक चाची जी जा रही हैं हमारे साथ आगे, और घर में कोई पूजा करने नहीं गया था तो बस हम लोग तीन ही लोग घर से जा रहे हैं पूजा करने। तो दोस्तों यहाँ की जगह देखिए, ये है खेत और खेत में, पूरे खेत में खेत से गुजर के जाना होता है चंखुरी, पूरे खेत में पिलाऊ लग गया, यानी कि जो नीचे से बिल्कुल बखर पिलाऊ गया लगा है, और रखा बखरने के कारण ये इतने बड़े बड़े ढीले यहाँ पे मौजूद है। इन पे चलने में इन पे दिक्कत हो रही थी और हंसी भी आ रही है, और मेरे से कहते संभल संभल के चलो, देखिए थाली मैंने हाथ में वही ले रखी है, गुम संभल के चलने के चक्कर।
दोस्तों यहाँ पे हम आके सीधे ही पूजा करने लगे हैं हम मिलके, और ये है हमारा पेड़ और पूरा जो मंदिर है ना उसके किनारे पे ये सजा हुआ है। तो यहाँ पे भी सभी औरतें पूजा कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी औरतें बहुत सजी धजी थी बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा ना ऐसा लगा कि मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई इस हिसाब से। सभी चाय जेठानी जी भी अच्छी लग रही थी क्यों, फिर मेरा क्योंकि मन नहीं था तो इसलिए मैं नहीं हुई थी तैयार। अगली बार से अच्छे से तैयार होती आऊँगी। और अभी जिस समय हम लोग आए थे ना उस समय इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में देखिएगा कितनी भीड़ यहाँ पे हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांति सुकून सा मिल रहा था, मतलब घर से निकल के और उसके बाद कहीं घूमो तो अच्छा लगता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब बहुत सारी औरतें आ गई हैं, पेड़ के पास भी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही है। हमने पूजा कर लिया था इसलिए हम लोग बैठ चुके हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद जो व्रत खोलना है वो यहीं पे शरबत बनाना है, पीना है, और शरबत पी के अपना जो व्रत है वो तोड़ना है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत पड़ती है तो शायद इसीलिए शरबत पीने का रिवाज है। तो यहाँ पे जेठानी जी शरबत घोल रही हैं और इन्होंने बढ़िया मेहंदी भी लगाई हुई है। मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा था मेहंदी वगैरह लगाने का, आप भी कहेंगे तो मैं कुछ ध्यान नहीं रहता, और तुम कभी भी अच्छे से तैयार नहीं होती। जाने को मुझे नहीं करने फूल लगा लो पेड़ करो। मम्मी का मम्मी मम्मी डालो मम्मी। दोस्तों अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं महावर, दिख रहे हैं देख कितनी जल्दी जल्दी पैर में लगा रहे हैं। भगवान वाली चीज़ है तो कुछ लोग तो घर से ही लगा के आ गए थे, कुछ लोग पूजा करने के बाद चढ़ जाता है जब बरगद के पेड़ पे, तो फिर अब वहाँ से ही लगाते हैं। तो हम लोग बाद में लगा रहे थे, चढ़ाने के बाद जो मतलब प्रसाद के तौर पर लगा रहे हैं अपने अपने पैर में। और भी देखें और भी औरतें लगाने में जुटी हुई हैं, सभी गांव की बहुएं हैं और एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे, पहचान रहे थे कौन कौन है, और मतलब सभी एक दूसरे को ही देख रहे थे कौन क्या पहने हैं साड़ी। तो दोस्तों अब आ गए हैं घर पे और मैं सीधे आके खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह लाइट नहीं था तो मैंने खाना नहीं बनाया था और अब खाना बनाने लगी हूँ। तो ये वाला जो धागा है ना ये वहीं पे हमने मतलब बना के और पहना जाता है तो वहीं पे ही पहना था, और अब सीधे खाना पीना बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मसाला मैंने पीस लिया है। तो फिर दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आके बनाने लगी हूँ खाना, और सुबह बनाया नहीं था, अब हो गया है लगभग दोपहर, तो बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। और करेले की सब्जी अच्छी लगती है क्योंकि छील छील के गई थी मैं करेले, तो बना दिए ये देखिए सूखे सूखे से। और यहाँ पे आस्था के पापा पूरे दिन से काम कर कुरा के थके हुए बैठे थे तो मैं इनका खाना परस दे रही हूँ। और अभी हमने किसी ने भी खाना खाया नहीं है, तो लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों ये होता है कि इस भट्ट सावित्री व्रत पूजा में जब हम शरबत से अपना व्रत खोल लेते हैं तो उसके बाद हम खा पी सकते हैं, मतलब पूजा के बाद। आता फ्रीजर से ये लगाया फ्रिज में नहीं, हाँ पहले लगा के मैं परस रही हूँ ना।
अचार का डब्बा उठा लिया उसका। ये वाला अब ले लो, दाल है दाल की खाने को। अचार बेटा तू नीचे बैठ जा, बैठ जा लेकिन गिराइयो मत कुछ भी। अचार चाहिए तुम्हें? चाहिए तो दोस्तों ये देखिए अचार जो मैंने पहले सबसे पहले लगाया था ना वो वाला अचार है, बिल्कुल बढ़िया। और ये देखिए इसका कलर, यहाँ पे खाना पीना हमने खा लिया है और गेट यहाँ पे हमने लगा दिया है और पर्दा भी है, ये अगर चाहे तो पर्दा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ की सफाई और आस्था भी बैठी है और सफाई कर देते हैं पहले यहाँ की, फिर आराम से सोएंगे पर लेटेंगे क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद ना थोड़ी सी अलमारियाँ वगैरह साफ करेंगे, यहाँ के बर्तन वगैरह भी आस्था लगाने में लगी हुई है, बर्तन लगा देगी अलमारी पे और जो अलमारियाँ हैं जहाँ पर्दे लगा दिए हैं वहाँ के भी जो कपड़े पड़े हैं सही से रख देंगे सामान वामान। और दोस्तों इस तरफ कुछ नांज की बोरियाँ रखी है, गाय की खरी की रखी है बोरियाँ, तो नांज की बोरियाँ तो धोनी है और यहाँ पे बोरी फैली हुई थी तो मैंने इन्हें एक साथ तो रख दिया है और अलमारी जो है छोटी वाली इसे साफ कर देते हैं और उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे झाड़ू। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए।
नमस्कार दोस्तों। अभी तो इसको मिला।